दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल के ट्रेनिंग सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवंत सिंह मोहाली। हमारी जुलाई महीने की ट्रेनिंग 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक आज पूरी हुई है और इसमें बहुत कैंडिडेट आए थे, दूर दूर से कैंडिडेट आए थे। अभी हमारे पास मिस्टर बंसल बैठे हैं जो बठिंडा से आए हुए हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनको 3 दिन की ट्रेनिंग में प्रॉपर्टी गुरुकुल से क्या सीखने को मिला, जो 1 जुलाई से पहले इनकी पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क था और आज क्या फ़र्क आया, क्या इन्होंने सीखा और क्या हमें किसी चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। तो मैं बंसल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्रॉपर्टी गुरुकुल आपकी कसौटी पर कितना खरा उतर रहा है। धन्यवाद सर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 1 जुलाई को हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किए थे, उसमें एक तारीख को हमारा यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग था, 2 तारीख को हम लोग फील्ड में गए, 3 तारीख को वो सारी केस स्टडी हम बैठ के पूरा इन डिटेल समझे। तो इसमें प्रॉपर्टी को कैसे सेलेक्ट करना है, वहाँ से हम लोगों को पहले दिन पूरा अच्छे से शुरू किया गया, समझाया गया कि कैसे आपको क्या क्या प्रॉपर्टी में, पहले तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी चैप्टर को ही एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें रियल इस्टेट में आना है। तो धीरे धीरे इसकी जो गहराइयां हैं उसमें सर हमें लेके जाते रहे। इनका 28 साल का एक्सपीरियंस हमें वो प्लान विजिट के बाद, जो उसके बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आने लगे, तो 3 दिन के बाद हमें लगा कि सर अपना पूरा 28 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब कागजों में या जुबान पे बयान करना बड़ा मुश्किल है। कम से कम नहीं तो सर ने हमारे साथ 20-25 केस स्टडी डिस्कस की होंगी इस पूरे कोर्स में, और वो ऐसे नहीं है कि जस्ट नाम उसको कहाँ से शुरू किया, हर आदमी का मोबाइल नंबर तक सर को पर्सनली याद था कि ये इसके साथ घटना वाक्य हुई थी इनके कैरियर के दौरान और ये इसी तरह इन्होंने यहाँ पर बचा। 98% तक सर खुद भी बताते हैं कि हम अपने आप को संभालने में सक्षम हो पाए, इस लेवल तक का एक्सपीरियंस था इनका, बट फिर भी 2% सर को भी उसके अंदर एक तरह से कह लो कि चीटिंग हो गई। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद यदि 2% चीटिंग इनके साथ हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो ट्रेनिंग में हमें यही सब सीखने को मिला और ये तो आई थिंक कि जो बंदा प्रॉपर्टी में काम करना चाहता है तो ये उसके लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। उसको समझ में आना चाहिए कहाँ कहाँ ठगी बन सकती है, क्या चीटिंग हो सकती है, क्या उसके बेसिक्स हैं। बेसिक से सर शुरू करके पूरा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अपनेपन के साथ और बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के आप आश्चर्य हो गए। हम रात के 9-9 बजे तक 10-10 बजे तक डिस्कशन करते रहे। तो ये अपने में बयान करते हैं कि हम सर कितना आपके साथ इन्वॉल्व रहे उसके अंदर। मतलब कोई भी आदमी उसके अंदर उठ के नहीं जा पाया रात के 10 बजे तक, ये अपने में बयान कर रहा है। थैंक यू नीरज बंसल जी। दोस्तों, आप सभी को, सभी ने हमारे जो ट्रेनिंग सेशन वाली हैं, सभी के इमोशंस आपको पता लग सकता है क्योंकि आप इतने समझदार हो कि उनके फेस से ये पता लग सकता है आपको कि ये कोई स्क्रिप्ट बुलवाई गई है या वो दिल से बोल रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि कितने दिल से ट्रेनिंग के बारे में बोलते हैं, उनको यहाँ पर आके क्या बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जहाँ जहाँ मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को काम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को मैन पावर की जो प्रॉब्लम थी वो मेरी प्रॉब्लम भी दूर होती जा रही है। हम इस ट्रेनिंग से नए भारत का निर्माण शुरू कर चुके हैं। सो दोस्तों, आपसे भी विनती है कि आप आके हमारे साथ जुड़ें ताकि हम इंडिया को एक नई दिशा में ले जा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर फॉर द लवली ट्रेनिंग।